समाचार शाम के 7 बज चुके हैं। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पुरानी कहावत है, चौबे जी गए थे छब्बे बनने, दुबे जी बनकर रह गए। मतलब लाभ की जगह हानि होना। दिल्ली के ऑक्सीजन संकट पर हाईकोर्ट से लगातार फटकार खा रही केंद्र सरकार अफसरों को अवमानना की नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट चली गई। अदालत ने अफसरों की नोटिस पर तो स्टे लगा दिया, लेकिन केंद्र सरकार से कल सुबह 10:30 बजे तक दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट मांग लिया है। अब सवाल यह है कि केंद्र दिल्ली के लिए 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लाएगा कहां से? केंद्र सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट में भी राहत नहीं मिली। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सरकार को न सिर्फ फटकारा बल्कि दिल्ली को ऑक्सीजन देने का ब्लूप्रिंट भी मांग डाला। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ऑक्सीजन की मांग पूरी करने के लिए केंद्र को 20 घंटे की मोहलत दी है। साथ ही सरकार से यहां तक कहा कि नाकाम अफसरों को जेल में डाले। राजधानी में ऑक्सीजन के संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार के 2 अधिकारियों पर अवमानना का मुकदमा शुरू करने की बात कही थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के बाद अवमानना की कार्रवाई पर तो रोक लगा दी, लेकिन केंद्र सरकार से पूछा आखिर ऑक्सीजन की किल्लत को वो कैसे दूर करेगी, उसके पास क्या कार्य योजना है और उस योजना पर अमल करने के क्या उपाय। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की ओर से कहा गया कि दिल्ली सरकार की रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग वास्तविक मांग से ज्यादा है, वो 500 मीट्रिक टन में काम चला सकती है। केंद्र सरकार ने मुंबई का उदाहरण दिया और कहा कि जब महाराष्ट्र में रोज कोरोना के 92,000 मामले सामने आ रहे थे, तब भी मुंबई में 275 मीट्रिक टन ऑक्सीजन से काम चल रहा था। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने केंद्र की दलील को खारिज करते हुए कहा कि हमने 700 मीट्रिक टन का आदेश दिया है, हम उससे पीछे नहीं हट सकते। अदालत ने साफ कहा कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, उससे कम हमें मंजूर नहीं होगा। अदालत ने इसके लिए केंद्र सरकार को गुरुवार सुबह 10:30 बजे तक प्लान पेश करने को कहा। दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार सुनने के बाद केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में नमाज छुड़ाने आई थी। नमाज तो छूट गई लेकिन रोजे गले पड़े रहे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से साफ कहा है कि अफसरों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने से ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू नहीं होगी, लिहाजा केंद्र ये तय करे और 10:30 बजे तक गुरुवार सुबह ये कोर्ट को बताए कि 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति दिल्ली के लिए करने के लिए उसके पास क्या कार्य योजना है और उसको कितने घंटे में अमल दिया जाएगा, कितने घंटे में दिल्ली की मांग सुचारू रूप से पूरी की जाएगी। और साथ ही ये भी कहा है कि आपसी सूझबूझ और समझदारी के साथ सभी सरकारें हाथ मिलाकर चलें तो बढ़िया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से एक्शन प्लान पूछा तो इस चुनौती से निपटने के लिए मुंबई मॉडल से मदद लेने की सलाह भी दी। अदालत ने कहा कि सरकार बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के विशेषज्ञों से विचार कर सकती है, पूछ सकती है कि उन्होंने कैसे मैनेज किया। उनके अधिकारी भी यहां दिल्ली में तैनात किए जा सकते हैं ताकि उनके अनुभव का फायदा तत्काल मिले। सुप्रीम कोर्ट ने होम आइसोलेशन में रहकर कोरोना को मात देने की जद्दोजहद कर रहे लोगों की जरूरत भी ध्यान में रखने को कहा। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि तमाम आंकड़े तो मौजूद हैं, क्या उन लोगों के आंकड़े और जरूरत को भी केंद्र सरकार ने ध्यान में रखा है जो अपने घरों में रहकर कोरोना को मात दे रहे हैं, अस्पतालों पर बोझ नहीं बनना चाहते, उनकी ऑक्सीजन की जरूरत के ध्यान कौन रखेगा, आपको उन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए। अब कल अदालत में केंद्र सरकार को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को देने का ब्लूप्रिंट पेश करना होगा। अदालत ने केंद्र से विस्तृत हलफनामे की जगह बुलेट पॉइंट मांगे हैं, जिसमें सरकार को बताना होगा कि दिल्ली में ऑक्सीजन का इंतजाम वो कहां से करेगी और कैसे और कब तक ये सप्लाई होगी। अदालत ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए विशेषज्ञों की कमेटी भी बना सकती है जिसमें प्राइवेट डॉक्टर भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ऑक्सीजन की किल्लत है तो फिर केंद्र सरकार 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को देने के लिए कहां से लाएगी। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। केंद्र को 20 घंटे की यह मोहलत है, ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से किस तरह से इंतजाम किए जाते हैं यह महत्वपूर्ण है जाना। फिलहाल देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, हालांकि अलग अलग शहरों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, अलग अलग देशों से ऑक्सीजन टैंकर आ रहे हैं, मगर महामारी इस कदर भयानक है कि सारी की सारी कोशिशें ऊंट के मुंह में जीरा जैसी हैं।
माता जी को मैंने घर में एडमिट कर रखा है, अस्पतालों का इतना बुरा हाल है और योगी जी बोल रहे हैं यहाँ कोई चीज की दिक्कत नहीं है, सब पूरा है, सब कमी है, मतलब हद है। 4 दिन से खड़ा हुआ हूँ और यहाँ भागो वहाँ भागो जब तक कि मरीज मर जाए। 3 जगह गए थे, वहाँ भागे थे, पारा में गए थे कि वहाँ भर जाए, वहाँ भी नहीं भर गया सर। फिर यहाँ 1 बजे कल आए, यहाँ पे लगाए लाइन। परसों से जो है सुबह लाइन से लगे हैं हम, शाम को जो है वापस हो जाते हैं, गैस नहीं मिल रही है। सुबह 4 बजे आ गए थे। सुबह 4 बजे जी। अभी तक नंबर लगा है, कुछ मिला है टोकन ओकन? अभी टोकन तो नहीं मिला, लाइन में लगे हैं, समय से नहीं मिल पा रहा। कल खत्म हो गई थी, कल आए थे तो। पता नहीं वो लोग कौन से ग्रह से उतरे हैं जो कहते हैं कि ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है। किल्लत नहीं होती तो दुनिया भर से ऑक्सीजन के टैंकर नहीं आ रहे होते। ये सिंगापुर से समंदर के रास्ते नेवल शिप के जरिए 27 टन ऑक्सीजन आई है। इसमें 3600 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। INS तवर से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की खेप बहरीन से आई है। बरेली में ट्रेन के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई गई है। मतलब अलग अलग जगहों से ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिशें तो हो रही हैं, मगर सरकारें मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि किसी तरह की कोई किल्लत है। दिल्ली का ही हाल ले लीजिए। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के चलते लोग तड़पने लगे, तब सब एक्शन में आए। फ्रांस ने भारत की मदद की, ऑक्सीजन प्लांट भेजा, 18 घंटे के भीतर प्लांट लगा दिया गया। दिल्ली में यूं तो ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन उस कमी को पूरा करने के लिए अलग अलग अस्पतालों में बाकी देशों की मदद से ये ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। जो इसका चरण है वो इस कंप्रेशर से शुरू होता है। ये कंप्रेशर है जहां पर एटमॉस्फेयर यानी हवा से, जो हवा को इस ये मशीन सक करती है यानी अपने अंदर लेती है और फिर उसको भेजती है इस ड्रायर में। ड्रायर में जितना भी मॉइस्चर यानी आर्द्रता होती है, पानी होती है, उसको निकाल लिया जाता है। बिल्कुल ड्राई यहाँ से हवा जा करके इस टैंक में स्टोर होती है। ये जो टैंक है इसमें पूरी तरह से ड्राई एयर यानी शुष्क हवा इसमें स्टोर होती है, जहाँ से पाइप के जरिए ये जाती है इन दोनों टैंक में। यहाँ सेग्रीगेट होता है, सेग्रीगेट यानी अलग अलग दो टैंक बने हुए हैं। आप देख सकते हैं जो दाहिनी तरफ का टैंक है इसमें ऑक्सीजन जाता है और जो बाईं तरफ का टैंक है उसमें बाकी जैसे नाइट्रोजन और बाकी जो गैस है वो जाते हैं, और ये जो आखिरी टैंक है इसमें ऑक्सीजन जमा होता है। और यहाँ पर ये जो पूरा ऑक्सीजन का प्लांट है वो 18 घंटे में फ्रांस से आने के बाद लगाया गया। अनुज गुप्ता हमारे साथ है। अनुज, ये बताइए कि किस तरीके से ये आपने लगाया है और कितनी इसकी क्षमता है? तो ये प्लांट हमारे हॉस्पिटल आई थिंक दिल्ली में अराउंड 2nd को आया था, एयरपोर्ट पे आया था, और 2nd को ही 2 तारीख को ही हम लोगों ने प्लांट को दोपहर में इस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया एंड विद इन 12 आवर्स हम लोगों ने प्लांट को ऑपरेशनलाइज किया था। और क्षमता की बात करें तो ये इन टर्म्स ऑफ सिलेंडर्स ये अराउंड 48-50 डी टाइप सिलेंडर्स 24 घंटे में हमको प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ लीटर्स बात करें तो ये अराउंड 300 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर मिनट प्रोवाइड करता है। विदेशी मदद है, फ्रांस से आई हुई ये मशीनरी है, लेकिन इस समय आपदा है और आपदा में ऐसे ही जरूरतें हैं जिसको धीरे धीरे पूरा करके हम अपने पैरों पर खड़ा हो पाएंगे। पता नहीं कब स्थितियां काबू में आएंगी, पता नहीं कब शांत होगा शोक का ये शोर। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। पता नहीं कब हालात सामान्य होंगे, सभी के जेहन में ये सवाल है। फिलहाल देश में 18 साल की उम्र तक के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू तो हो गया है, लेकिन टीके की उपलब्धता अब भी बेहद कम है। तमाम शहरों में वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतार और इंतजार दिखाई दे रहा है। गुजरात के सानंद की ये तस्वीरें आपको बेचैन कर देंगी। सानंद में जलाभिषेक के नाम पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई। पूरा गुजरात कोरोना के कहर से तड़प रहा है, लेकिन सानंद की इन तस्वीरों में संक्रमण को लेकर कहीं कोई फिक्र आपको दिखाई नहीं देगी। यहाँ भक्ति भरे गीत गाए जा रहे हैं, भगवान के नाम पर जयकारे लग रहे हैं, लेकिन किसी को ये डर नहीं है कि उनकी इस भक्ति से कोरोना को कैसे हाहाकार मचाने का मौका मिल जाएगा। इनके चेहरे की तरफ देखिए, किसी चेहरे पर आपको मास्क नहीं दिखेगा।
अब गुजरात की ही दूसरी तस्वीर देखिए। एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, तो दूसरी तरफ टीका लगाने की जद्दोजहद। एक तरफ कोरोना को लेकर बेफिक्री, तो दूसरी तरफ टीका लगवाने की चिंता। आज तक संवाददाता गोपी घांगर इस ग्रामीण इलाके में पहुंची तो वहां टीके की किल्लत दिखी। इधर बताया गया कि 40 साल से ऊपर को देने का है, उसका 40 साल के नीचे को अभी नहीं देने का है। 3-4 दिन से घूम रहा हूं मैं सेकंड डोज के लिए, हर हर जगह, हर अस्पताल, सारण सिविल, नगर पालिका, प्राइवेट में भी गया, प्राइवेट में से भी नहीं मिल रहा है पैसा देख के भी। क्या बताया गया? अभी 45 की जिसकी उम्र है उनको दे रहे हैं वैक्सीन, उनके नीचे का भी उनके पास है नहीं, जब आएगा तब देंगे। जब से 18 साल की उम्र तक टीके की इजाजत मिली है, लोग जल्द से जल्द टीका लगाने को बेताब हो रहे हैं। मुंबई के इस वैक्सीनेशन सेंटर की लंबी कतार खुद ब खुद बहुत कुछ कह देती है। इस वक्त हम दादर में हैं, एक पार्किंग लॉट में ये वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया गया है, जहां पर ये भी फैसिलिटी है कि जो व्हीलचेयर के लोग हैं वो लोग कार में आ सकते हैं, ड्राइव थ्रू कार में बैठे बैठे ही वैक्सीनेशन हो जाएगा। तो ये सुबह की जो गर्दी है, ये 2 से 3 घंटे में आप कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर पे जो डोजेज हैं वो दिन के जो डोज हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एक तरफ बीएमसी के ऊपर ये चैलेंज है कि 18-45 ईयर्स में जो एज ग्रुप में जो लोग हैं उनको वैक्सीन दें, दूसरा ये कि जो सेकेंड डोज पेंडिंग है उनको सेकेंड डोज दें। तो इन सारी दिक्कतों में जो वैक्सीन का स्टॉक है वो कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है। और अब आपको भोपाल के एक टीका केंद्र का हाल दिखाते हैं, जहां आपको लोगों की लंबी कतार दिखेगी, इंतजार दिखेगा और टीके का संकट भी दिखेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, आज 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का पहला दिन था। बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए वैक्सीनेशन सेंटर पर, लेकिन स्थितियां देखिए किस कदर। भोपाल में राजधानी है जो, वहां पे बिल्कुल अव्यवस्था फैल चुकी है। सामने आप तस्वीरों में देखिए वो गेट बंद जो आप देख रहे हैं, उस गेट के दूसरी तरफ 18 साल से लेके 44 साल तक का जो एज ग्रुप है उन्हें वैक्सीन लगनी है, लेकिन वो इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए कि यहां पर उतनी वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी। और इसीलिए अगर आप देखें तो यहां पे सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ चुकी हैं। मुंबई हो, भोपाल हो, नागपुर हो या भुवनेश्वर हो, टीके को लेकर मारामारी की तस्वीरें आपको तमाम शहरों से दिखेंगी। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। कहा तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहा चराग मैसर नहीं शहर के लिए। जी हां, वादा तो ऐसा ही किया गया था कि नोएडा में 18 प्लस वालों का वैक्सीनेशन होगा, लेकिन कब होगा किसी को नहीं मालूम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल ही कहा था कि मीडिया कर्मियों को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाए, उनके लिए अलग सेंटर अलॉट किए जाए और जरूरत हो तो उनके कार्यस्थलों पर जाकर निर्धारित मानकों को पूरा करते हुए उनके 18 प्लस के परिजनों को फ्री वैक्सीनेशन किया जाए। न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन ने सीएम के इस फैसले का स्वागत भी किया था, मगर अफसोसनाक यह है कि नोएडा में जहां सबसे ज्यादा मीडिया के दफ्तर हैं, उसी नोएडा में 18 प्लस वालों का वैक्सीनेशन अब तक शुरू नहीं हुआ है। लोग रजिस्ट्रेशन करके इंतजार कर रहे हैं कि कब वैक्सीनेशन शुरू हो और कब वो वैक्सीन लगवाएं। इन सबके बीच मुंबई में वैक्सीन के लिए अब कार थ्रू का इस्तेमाल हो रहा है, जहां सुरक्षित तरीके से अपने कार से आकर आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, जिसका जायजा लिया है हमारी संवाददाता विद्या ने। मुंबई का पहला ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर, ये उन लोगों के लिए है जो सीनियर सिटीजन्स हैं और वो जो कि गाड़ियों से ज्यादा उतर के जिनको दिक्कत है चलने फिरने में, उन लोगों के लिए, डिफरेंटली एबल्ड जो लोग हैं उनके लिए है। गाड़ियों में आप बैठे रहिए, इंतजार आप यहीं करेंगे, साथ साथ वैक्सीनेशन भी आपको गाड़ी में ही लगेगी। हाँ, आपको गाड़ी के अंदर जब आप ले जाएंगे यहाँ कोहिनूर का पार्किंग लॉट जो है, वहां पर आप गाड़ी में जब जाएंगे तो पार्किंग का चार्ज बस देना पड़ेगा, और वैक्सीनेशन जब आप लगा के वहां थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन के लिए रहेंगे और उसके बाद आपको वापस घर जा सकते हैं, कहीं उतरने की जरूरत नहीं है। ये है एक सुविधा जो बीएमसी ने शुरू की है। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक डिपार्टमेंट को थोड़ी दिक्कत जरूर होती है, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पर ये जो ड्राइव थ्रू है, बड़ी लंबी कतार है, ये मुंबई का आर्टीरियल रोड है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग इसी इंतजार में हैं कि यहाँ पर पूरे दिन भर में तकरीबन 7-8 घंटे जो तकरीबन 2000 डोजेस लगते हैं वैक्सीन के, वो उन्हें लग जाएं और वो यहाँ पर वैक्सीन से सुरक्षित होकर निकल पड़े।
कैमरामैन राकेश सालर के साथ विद्या, मुंबई आज तक। और अब आपको अव्यवस्था और बेचारगी की एक तस्वीर झारखंड की दिखाते हैं। झारखंड के चतरा में एक अस्पताल का जायजा लिया है हमारे संवाददाता आशुतोष ने, देखिए। अव्यवस्था और अराजकता की तस्वीरें पूरे देश में फैली हैं। क्या आरा, क्या अररिया, क्या औरंगाबाद, क्या चिकमंगलूर और क्या चतरा। झारखंड के चतरा में अस्पताल की चारपाई पर उखड़ती सांसें समेटता एक बुजुर्ग पड़ा है। बगल में ऑक्सीजन सिलेंडर तो है, लेकिन नाक से सिलेंडर को जोड़ने वाला प्लास्टिक का मास्क नहीं है। अस्पताल के पास गिने गिने मास्क हैं, जो मरीजों को बारी बारी से लगा दिए जाते हैं, लेकिन तीमारदार कहते हैं कि किसी और का इस्तेमाल किया हुआ मास्क कैसे लगा ले, खतरा है। हम लोग पास है, हम अपना देना चाह रहे हैं, ये बोल रहे हैं अपना लेंगे, पर्सनल लेंगे, लाने गए सर कि यहाँ लोग मास्क नहीं देंगे, नया मास्क खरीद के लाने गए। तब तक तो जान बच जाएगी, जो उनके पास नया लगा लीजिए। जिस जनरल वार्ड में मरीजों को रखा गया है, वहाँ मरीजों को ऑक्सीजन एक ड्राइवर लगा रहा है। मेडिकल स्टाफ की संख्या इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए ड्राइवर ही लोगों को सिलेंडर लगा रहा है। आज से नहीं, कहता है 13 साल से। अपना भाई, अगर हम, ये हमारा भाई है, ये मेरे बड़े भाई है। आप क्या करते हो? हम यहाँ ड्राइवर है। आप ऑक्सीजन लगा रहे हो सबको, क्या फर्क पड़ता है? हम अपने भाई को लगा रहे हैं, अपने फैमिली को लगा रहे हैं। आपको आता है लगाने? क्यों नहीं, 13 साल से मैं इस अस्पताल में काम कर रहा हूँ। डॉक्टर नर्स वो सब नहीं करते? करते हैं, सब लोग करते हैं। आप भी कर देते हो? एकदम 110% भैया। हमने अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट और हेल्थ मैनेजर से बात करनी चाहिए, लेकिन वो मौजूद ही नहीं थे। अस्पताल की क्लर्क तो थी, लेकिन उन्हें ना तो अस्पताल के बारे में कुछ पता था, ना बेड के बारे में, ना मरीजों के बारे में। मैनेजर ड्यूटी पे नहीं है, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट यहाँ नहीं है, कहाँ है? अच्छा, ये इस टाइम नाश्ता करने गए, घड़ी में 1 बज रहा है। खैर, इतना तो जानकारी होगी, बेड कितने हैं टोटल पूरे अस्पताल में, ये तो आपको पता होगा, क्लर्क हैं आप। ये तो अस्पताल की लिस्ट में होगी ना, बेड कितने हैं, हमको गिनने को थोड़ी ना बोल रहे हैं। अस्पताल के बारे में कुछ तो जानकारी हो। अच्छा, ऑक्सीजन बेड कितने हैं आपके पास? अव्यवस्था का आलम यह है कि पॉजिटिव नेगेटिव सारे मरीजों को एक ही वार्ड में रखा जा रहा है। ये है बिना कोविड 19 वाला रूम, ठीक है, अब बिना जांच का कोविड 19 वाला भी मरीज को घुसा दिया जा रहा है इसमें। सबको एक ही में डाल? जी, एक ही में डाल दिया जा रहा है, ठीक है। ये चीज नहीं होना चाहिए रूम में, ठीक है, ये चीज हो रहा है इसमें, ठीक है। कोविड 19 वाला पॉजिटिव वाला इसमें डाल दिया जा रहा है रूम में। एक ही वार्ड में सबको डाल देते हैं बिना चेक किए, चाहे कोविड है चाहे नहीं है। और तो और, अस्पताल के आईसीयू में भी लोगों के आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं है। बहुत सारी लापरवाहियां छोटे शहरों में दिखाई पड़ रही हैं, जो शायद संक्रमण के खतरे को बढ़ा दे। मसलन ये एक वार्ड है, यहाँ लिखा अनावश्यक प्रवेश निषेध, यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। और इस वार्ड के भीतर अगर आप देखेंगे तो जितने मरीज हैं, हर मरीज के दो दो तीन तीन तीमारदार परिवार, हर किसी को फ्री एक्सेस मिला हुआ पूरे कोविड वार्ड में जाते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की संख्या कम है, जरूरत के लिए दवाइयां मंगानी हो, पर्चे लिखने हो, हर किसी के लिए तीमारदारों को ही जाना पड़ रहा है। ऐसे न जाने कितने तीमारदार हमें यहाँ मिले, जो बेरोक टोक कोविड 19 वार्ड के चक्कर लगा रहे हैं, इस डर से बेखौफ कि वो संक्रमण को न्योता दे रहे हैं। ये पता है, ये वार्ड सिर्फ कोरोना मरीजों का, तो आप क्यों जाते है ना? सिर्फ गए थे वो सामान पहुँचाना, इमरजेंसी था मेरा मरीज को, इसीलिए। कितनी बार आप अंदर जाते हैं? कोई खास नहीं, 2 से 1-2 टाइम हो जाता है, जाते हैं अंदर। हाँ, यहाँ किसी को बुला के क्यों नहीं देते डॉक्टर, इन सबको रोकते नहीं है लोग अंदर जाने से? नहीं तो कोई यहाँ गेट पे रहे नहीं करता है। अगर ड्राइवर जो है ऑक्सीजन लगाएगा, मरीज के तीमारदारों को, बच्चों को कोविड वार्ड में ऐसे ही घूमने जाने दिया जाएगा, जरूरत की दवाइयाँ अस्पताल में अगर मुहैया नहीं है, तो आखिर जब परिस्थिति और खराब हो रही है तो इससे निपटा कैसे जाएगा? ऐसा ना हो कि जब तक हालत बेहतर हो तब तक बेहाली बढ़ जाए। झारखंड के चतरा से संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। भगवान भरोसे जनता है, अस्पताल की इन तस्वीरों के जरिए आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ शंखनाद में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे पंचायत चुनाव में क्या 2022 का ट्रेलर। इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए आज तक।